हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पर अभी न्यू आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है मेरी आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आया हूं जो स्टोरी आपको जो है बहुत कुछ सीखने को देगी। तो देखिए, स्टोरी जो है वो ये है कि एक राज्य था, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था और उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त था राजा का। तो उस राज्य में क्या था, जब कभी भी कोई गलती करता था और किसी को सजा मिलती थी, तो जो उसका दोस्त था राजा का, वो हमेशा ही कहता था कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब गाइस, आप समझ सकते हैं, किसी को सजा मिल रही है, किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है और कोई व्यक्ति उस समय अगर ऐसा बोले कि बहुत अच्छा हुआ, तो आपको क्रोध आना निश्चित है। तो दरअसल ऐसे कई समय तक ऐसा चलता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, जो राजा है वो तलवार साफ कर रहा था, वो तलवार जो है उस राजा के हाथ से जाती है छूट और राजा के पैर की तरफ गिर जाती है। तो उससे होता है राजा का पैर का अंगूठा जो है कट जाता है। अब राजा का पैर का अंगूठा कट चुका है और उसमें भी उसका जो दोस्त होता है वो तुरंत कहता है कि बहुत अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब जो राजा है, बेशक वो उसका करीबी दोस्त था, लेकिन कितना भी वो राजा तो राजा ही होता, उसको क्रोध आ गया और उसने सिपाहियों को बुलाया और बोला इसको ले जा करके कैदखाने में डाल दो। अब उसको जो है कैदखाने में बंद कर दिया गया। अब कुछ समय बीतता है, उसके बाद जो है राजा एक दिन शिकार पर जाता है, वहाँ पर जो है उसे आदिवासी लोग मिलते हैं और राजा को जो है पकड़ लेते हैं। अब वो क्या करते हैं आदिवासी लोग, वो कहते हैं कि इस राजा की जो है हम बलि चढ़ाएंगे, देवी माँ को बलि चढ़ाएंगे। तो बलि का जो है सारा इंतजाम हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, अचानक से एक आदिवासी की नज़र पड़ती है, वो देखता है राजा का अंगूठा आधा हुआ कटा है, तो वो कहता है ये बलि तो आधी अधूरी है, क्योंकि इसका अंगूठा आधा कटा हुआ है, इसका अंगूठा पूरा नहीं है, तो हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो इसी जो वजह से होता है, जो राजा है वहाँ से छूट जाता है, उसे आदिवासी लोग छोड़ देते हैं और राज्य में अपने वापस आ जाता है। अब राजा सोचता है कि सच बात है कि जो भगवान हमारे साथ देखिए जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, अगर उसका जो अंगूठा ना कटा होता तो वो जो राजा है वो बलि चढ़ गया होता, उसका जो अंगूठा कट गया, इसी वजह से जो है वो मौत के मुँह से वापस आ गया, आदिवासियों ने उसे छोड़ दिया। तो इसीलिए वो सोचता है कि जो मेरा दोस्त कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो भी किया बहुत अच्छा हुआ, ये बात को जो है राजा अच्छे से समझ जाता है कि जो भी होता है, देखिए गाइस, हमारे जीवन में हमारे भले के लिए होता है, कहीं ना कहीं उससे हमारा कुछ ना कुछ भगवान जो है बेनिफिट देता ही देता है, बस हमारा नजरिया होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो राजा जो है तुरंत अपने दोस्त को जो है कैदखाने से बाहर निकलवाता है। तो राजा उसको सारी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे हुआ, मेरा जो अंगूठा कट गया था तो मैं उसी वजह से जो है बच गया। तो वो राजा जो है अपने दोस्त से पूछता है, चल मेरा तो भला हो गया, जो तू कहता रहता कि इस बहुत अच्छा हुआ, तू जो कैद खाने में पड़ा था तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो उसका जो दोस्त है वो कहता है, देखिए राजा, आपके साथ जो है मैं आपका दोस्त हूँ, हर जगह आपके साथ जाता था, अगर मैं कैद खाने में ना डला होता, मैं अगर बाहर होता तो मैं आपके साथ शिकार पे जरूर गया होता और आपकी बलि तो अधूरी थी पर मेरी जो बलि है वो पूरी चढ़ जाती, तो इस वजह से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो मैं भी कैद खाने में था तो ये भी मेरे लिए अच्छा हुआ और जो है मेरा भी जो जीवन है वो सलामत रहा। तो गाइस, इस बात से आप सीख सकते हैं कि देखिए कभी भी लाइफ में हमें परेशान नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, जो भी होता है गाइस देखिए उसको आप जो है एक्सेप्ट करिए, आगे कहीं ना कहीं चल के वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है गाइस। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होइए गाइस, कितना भी हो जाए, और जो है लाइफ को अच्छे से जिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइस, मैं आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी ही दिलचस्प भरी स्टोरीज लेके आऊँगा जो कि आपको मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी और आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि आपको लाइफ को जो है जीने का एक बेहतरीन तरीका मिलेगा। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।